हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है विजयादशमी और पानी ने तो लगातार मौसम अपना बनाए रखा है और बारिश पे बारिश होई जा रही है। कहीं घर से निकलना जैसे कि पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आज विजयादशमी के दिन में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मंदिर की ओर चला जाए, जहाँ आराम से हम बच्चों को लेकर के घूम सके और भगवान जी की पूजा अर्चना जो भी है कर सकें। तो फाइनली हम लोग रेडी सेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं झारखंड के सुप्रसिद्ध विख्यात श्री रामराज मंदिर। जो लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं वो लोग जान ही गए होंगे कि मैंने किस मंदिर का नाम लिया है। तो चलिए फिर मैं आपको वहां जा करके कंटिन्यू करती हूं। अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो रही हूं और ये देखिए कि मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूं। बस बाल वगैरह बनाने हैं और बस निकल जाना है। तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम सब निकल चुके थे और अभी देखिए जाने के टाइम का मौसम, घनघोर बादल सा लग रहा था, बट मौसम काफ़ी अच्छा प्यारा हो रखा था। हम सब गाड़ी में एंजॉय करते हुए जा रहे थे और देखिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बच्चों को भी इरिटेशन सा हो गया था। बारिश बारिश बारिश, पूजा का एक एंजॉयमेंट जो होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था। तो बच्चे बोले चलो मम्मा मंदिर ही हम चलते हैं करके। ये देखिए हम सब निकल चुके थे और ये देखिए मंदिर, जैसे हम सब बस एंटर हुए कि बारिश ने तो दिले दनादन दे रखा था और देखिए कैसे भगदड़ सी मच गई बिल्कुल से, एकदम इधर के व्यक्ति उधर होने लगे थे क्योंकि बारिश ने तो एकदम धावा बोल चुका था। जैसे हम लोग मंदिर पहुँचे, यहाँ पर हम सब थोड़ी देर के लिए रुक गए थे क्योंकि बारिश में भीगना एक टेंशन की बात हो जाती। हालांकि उसी दिन से मेरी जो तबीयत है थोड़ी सी ढीली चल रही थी, तो मुझे मूड तो नहीं हो पा रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन बच्चों को देखते हुए और हस्बैंड जी को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बहुत मशक्क़त के बाद छुट्टियां मिलती है हमारे डिपार्टमेंट में। तो फिर समय को ना गंवाते हुए मैं निकल चुकी थी विद बच्चों के साथ। और मंदिर में देखिए भगवान जी के दर्शन हमारे यहाँ पे हो गए थे। उसके बाद प्रसादी वगैरह लेकर के मैं रो में खड़ी हो गई थी। हालांकि बारिश ने तो तंग किया, बट वहाँ जा कर के मुझे काफ़ी अच्छा फील भी हो रहा था। बट एक इरिटेट सा इसलिए लग रहा था कि मौसम अगर यदि अच्छा होता तो हम सब बोटिंग वगैरह भी करने का सोचा था बच्चों के साथ में, बट बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। बट कोई बात नहीं, पूजा फेस्टिवल में हम सब जैसे तैसे करके तो इन्जॉयमेंट कर ही लिए थे। बस दुख की बात ये थी कि थोड़ी सी मेरी जो तबीयत अगर बेहतर रहती तो शायद मैं खुल के इन्जॉय करती, बट जो भी था सही था। और ये देखिए इधर जो चुंडियाँ बांधी गई हैं, तो ये सारी मन्नत की चुंडियाँ हैं जिनकी मन्नत विशेष जो पूरी होने के बाद लोग यहाँ पे आते हैं और चुंडियाँ बांध के जाते हैं, और जिनकी पूरी नहीं होती है वो भी आते हैं मन्नत मान के और चुनरी बांध करके जाती हैं। कुछ इस तरीके का मैंने वहाँ पे जो गई तो सुनी, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे गौर किया, नोटिस किया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हालांकि मैंने तो ये सब प्रोसेस कुछ भी नहीं किया क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। बस सलामती मांगने गई थी कि भगवान जी जो आपने दिया है मेरी झोली में, जो भी डाला है बस उसको बरकरार रखिएगा। मैं भगवान जी से यही गुहार लगाती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, बस जो चीज़ें मेरे पास है सलामत रहे। और देखिए बाबू काफ़ी ज़्यादा खुश था और मुझे ऐसा लगता है कि पापा के साथ जब भी वो रहता है तो कुछ ज़्यादा ही खुश रहता है, मुझे ऐसा फील होता है। वो मुझे भी भूल जाता है जब पापा के साथ होता है तो। और मंदिर का लुक लोकेशन के बारे में चलिए बात करते हैं। तो वहाँ का मंदिर जो है काफ़ी सुंदर, स्वच्छ और क्लीनिंग का भी ध्यान रखा गया है। काफ़ी अच्छा फील होता है वहाँ जाने के बाद, मन जैसे एक अपने में शांत सा हो जाता है। हालांकि सभी मंदिरों का यही प्रचलन है कि मंदिर में जब कभी भी हम जाते हैं तो हमारी जो पहली प्राथमिकता जाती है तो हमारे मन को जाती है, जो वहाँ पहुँच करके बिल्कुल से शांत हो जाता है। और ये देखिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने शिव जी के ऊपर जल भी चढ़ाया है संकल्प वगैरह करवा करके, क्योंकि जब पहुंच चुके थे वहाँ पे तो हम लोगों ने बारी बारी से सभी मंदिरों में जा कर के भगवान जी के दर्शन किए और जल पूजा अर्चना जो भी था हम लोगों ने बारी बारी से कर लिए हैं। और फाइनली हमारी जो पूजा है वो हो चुकी थी। बस बच्चे घूम रहे थे, टहल रहे थे, और इधर जो हम सब जा रहे हैं तो इधर ही बोटिंग एरिया थी जो बच्चों को
थोड़ा सा था कि मम्मा चल के देखें कि क्या हो रहा है। तो हस्बैंड जी ने भी बोला कि अगर यदि बोटिंग वगैरह की चल रही है अगर तो हम सब जा कर के करेंगे, बट ऐसी कुछ नहीं था। ये देखिए पॉन्ड था, बट उसमें जो है लोग नहा वहा रहे थे। तो फ्रेंड्स, मेरी जो वीडियो है ये बहुत पुरानी वीडियो थी जो मैंने अभी अभी आप लोगों से शेयर किया है। और देखिए हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाए थे जो उसको विद कवर हम लोगों ने वहाँ पे ले लिया है। और फ्रेंड्स अब हम चल पड़े हैं घर की ओर। ये लीजिए पूरा मंदिर का व्यू। यही थी छोटी सी वीडियो।